Hi people, this is Dr. Varun Kullar, MBBS Skin and Beauty, and welcome to my channel. आज हम बात करेंगे एक उभरते हुए प्रोफेशन की, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंसोलॉजिस्ट। तो क्या है ये कॉन्फ्रेंसोलॉजिस्ट? देखिए, कॉन्फ्रेंसोलॉजिस्ट बनना बहुत आसान है और आजकल कई लोगों ने तो इन्हें एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह अपना लिया है। पहले तो एक छोटी सी टीम बनाई जाए जिसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट लोग रखे जाएं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, दूसरा जनरल सेक्रेटरी और तीसरा साइंटिफिक सेक्रेटरी। रेगुलरली सबसे पहले नाम चेंज करिए, जैसे समिट, सिंपोजियम, सीएमई, कांग्रेस, फोरम, आजकल तो कॉन्क्लेव। फिर चूज करिए एक अच्छा सा वेन्यू और एक सोशल मीडिया टीम और शुरू हो जाइए अपनी गेम के साथ। बट वेट, ये प्रोफेशन प्रॉफिटेबल कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले लोगों के दिमाग में डाल दिया जाए कि ये एक एकेडमिक की बौछार हो रही है और साथ ही साथ करोड़ों रुपए कमाकर साइड से पक्की गली से निकल दिया जाए। अब ये कैसे करेंगे आप? अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाइज कि ये कैसे किया जाता। चलिए फन पार्ट पे आते हैं। तो जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस लॉन्च की जाती है, सारी बड़ी कंपनीज को एकजुट किया जाता है, एक एक करके उनको अपने पास बुलाया जाता है और ये सो कॉल्ड टीम जो होती है वो बैठ के बोली लगाती है। डायमंड स्पॉन्सर, गोल्ड स्पॉन्सर, सिल्वर स्पॉन्सर। अब ध्यान से देखिए, डायमंड स्पॉन्सर कौन होता है? डायमंड स्पॉन्सर वो होता है जिसका सबसे ज्यादा काटा जाता है। गोल्ड वो होता है जो बेचारा मरता तो जरूर है पर डायमंड जितना नहीं। और सिल्वर ये सबसे स्मार्ट होता है, जो कि कम पैसों में एक छोटा स्टॉल लेकर साइड हो जाता है। तकरीबन 15 से 20 लाख से लेकर 5 लाख तक के स्टॉल्स एरिया वाइज बांट दिए जाते हैं और इसी का बोझ आगे जाके आपको पता चलेगा कैसे आपकी पॉकेट पे आ। वेन्यू पार्टनर, डिनर पार्टनर, कॉकटेल पार्टनर, लंच पार्टनर और यहाँ तक कि सर्टिफिकेट पार्टनर्स भी पहले से डिसाइडेड होते हैं। पर अभी तक आपको ये लग रहा होगा ये टीम इतनी मेहनत कर रही है तो कमाए क्यों नहीं? वेन्यू देख रही है, स्पॉन्सर्स देख रही है, बट यही वो ट्विस्ट है जो अब मैं आपको बताऊंगा। हर कॉन्फ्रेंस की आजकल तकरीबन रजिस्ट्रेशन 25,000 से स्टार्ट होकर 50,000 तक आती है। साथ ही साथ रहने का खर्चा और आने जाने की फ्लाइट्स या ट्रेन की टिकट मिलाकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक का पैकेज बनता है। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ कंपनीज को ये बुलाकर सिल्वर, गोल्ड, डायमंड पैकेजेस बेचे जाते हैं। तो क्या इतने लाखों देने के बाद सिर्फ वो स्टॉल में ही एडजस्ट कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनके कुछ डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन फ्री दे दी जाती है और यही रजिस्ट्रेशन बाद में डॉक्टर्स को दिखाया जाता है कि उन्हें पेड़ है। डायमंड वाले को 100 रजिस्ट्रेशन, गोल्ड वाले को 50 और बेचारे सिल्वर वाले को 30-30 तो दे ही जाती है। साथ साथ वेन्यू पार्टनर्स, लंच पार्टनर्स और डिनर पार्टनर्स और कॉकटेल पार्टनर्स 20-25 भी ले जाते हैं। पर इसमें भी सारा प्रॉफिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स को ही होता है। उन्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं होती, किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं होती कि आप हमारी कॉन्फ्रेंसेस में आए। यही कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्फ्रेंस का ब्राउचर लेकर खुद आपके टेबल पे लाकर रखते हैं और आपको इनवाइट करते हैं कि आप उस कॉन्फ्रेंस में आए और सारा खर्चा वो कंपनी उठाएगी। और यहीं से आप फंस जाते हैं उस चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु फंसा था। एक बार आपने वो रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो फ्री नहीं होगा, उसके बाद आपको उससे 4 गुना दवाइयां उस कंपनी से लेनी ही पड़ेंगी। और जब तक वो नहीं ले लेंगे, उसका रिप्रेजेंटेटिव हर दिन आकर आपके वेटिंग एरिया में रेगुलर अटेंडेंस लगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि वही कुछ सिलेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन सेम सूट्स में और सेम साड़ीज में हर कॉन्फ्रेंस में आपको तकरीबन सेम लेक्चर देते हुए पाए जाएंगे। यहां तक कि अब तो कई कॉन्फ्रेंसेस का वेन्यू भी सेम होने लग गया है, वो वेन्यूज भी चेंज नहीं करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। वर्कशॉप्स का भी सेम हाल रहेगा, सेम लोग आपको सेम टेक्निक सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे ही कराते हुए नजर आएंगे। हैंड्स ऑन के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा और दूर से देखने पे सिर्फ एक सर्टिफिकेट पढ़ा दिया जाएगा। यूथ को ना सीखने देना और उनको सिर्फ इस चक्रव्यूह में घुमाते रहना इन कॉन्फ्रेंसोलॉजिस्ट की आदत पड़ चुकी है। लेजर कंपनीज की डील्स में
इनको प्रमोट करने के लिए सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजें ही प्रमोट की जाती हैं, और उनकी कॉस्ट कभी कभार इतनी ज्यादा होती है कि किसी इंसान को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी यंगस्टर को शायद बैंक से लोन भी लेना पड़ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि वन ऑन वन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स और कुछ टॉपिक्स जो आप बुक से पढ़ सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में अपना टाइम और पैसा खराब ना करें। घूमने का शौक है तो अपनी फैमिलीज के साथ घूमें और अपने पैसे से घूमें। बहुत अच्छे सीनियर्स भी हैं जो आज भी आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और किसी भी बीमारी के बारे में बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और कई टॉपिक्स के बारे में अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं। आप उन्हें मोटिवेट करिए, उनके पास जाइए और उनसे सीखिए। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, जहाँ से हमने शुरू किया था, ध्यान से सुनिएगा, कौन CON कॉन्फ्रेंसोलॉजिस्ट, कौन का मतलब अब आप खुद जाकर डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण कुल्लर MBBS स्किन एंड बीडी, आपका अपना द कॉन्ट्रोवर्शियल डॉक्टर।